नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अमन प्रेस जी की जिस पर। तो दोस्तों, जैसा कि 18 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का आपका RRC ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो लगभग समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का भी एग्जाम था, आशा करते हैं कि दोस्तों अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 20 GK और 25 साइंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका प्रश्न 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों, इसी तरह के रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए और रेलवे से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर PDF चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो दोस्तों आपका आया था कि आर्टिकल 243E का संबंध किससे है। तो दोस्तों, आर्टिकल 240E का संबंध दोस्तों आपका किससे है, ये आपका प्रश्न आया था। ई का जो संबंध है दोस्तों वो आपका पंचायतों की अवधि से आपका संबंध है, मतलब पंचायत जो ग्राम पंचायत होते हैं गांव में, उनका जो अवधि होगा दोस्तों कितने वर्षों तक का होगा, उसकी जो आपका संबंध है दोस्तों आपका आर्टिकल 240E में आपका संबंधित है। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो में आर्टिकल 243A का जिक्र हो गया है, तो उसे भी देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आप इम्पोर्टेंट ही है अगले शिफ्ट के लिए। तो आर्टिकल 240A कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक नहीं है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। तो आर्टिकल 240A का संबंध दोस्तों आपका आर्टिकल पंचायतों का गठन से है, लेकिन दोस्तों आर्टिकल 240E का जो संबंध है वो आपका पंचायतों की अवधि से है कि प्रत्येक पंचायत यदि तत्व समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन से पहले विघटित कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के नियम तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 240 से आपका संबंधित है। तो पंचायत का अवधि जिन लोगों ने मारा होगा आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो आपका आया था कि त्रिपुरा में कौन सी भाषा चलती है या बोली जाती है, या पूछा गया था दोस्तों कि जब त्रिपुरा का गठन हुआ था उस समय कौन सी भाषाएँ बोली जाती थी। तो दोस्तों, आप देखिएगा कोक बोरोक दोस्तों आपका ऑप्शन में होगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हालांकि वहाँ का बंगाली भी दोस्तों आपका भाषाएं बोली जाती है, तो बंगाली भाषा के अलावा दोस्तों कोक बोरोक जो भाषा है आपका बोली जाता है। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो ये दोस्तों आपका अगरतला होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो बंधन बैंक दोस्तों भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में है। 23 अगस्त 2015 को पश्चिम बंगाल में बंधन फाइनेंशियल सर्विस ने बंधन बैंक का नाम पूर्ण रूप से शुरू कर दिया था। यह भारत का नया पूर्ण बैंक है। जून माह में भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो संस्थान बंधन को पूर्ण वाणिज्यिक बैंक आरंभ करने की स्वीकृति दी है। तो दोस्तों, आपका 2015 आपका राइट आंसर होगा, जो कि 23 अगस्त 2015 को बंधन बैंक का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि पंजाब नेशनल बैंक में कितनों बैंकों का जो विलय हुआ है 2020 में हुआ है। तो पंजाब बैंक नेशनल बैंक के साथ दोस्तों 2 बैंक का जो विलय आपका हो गया है। तो कौन कौन से 2 बैंक है, तो पहला यूनाइटेड बैंक है, दूसरा दोस्तों ओरिएंटल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था। तो 2 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि संविधान में कितने भाग वो कितनी अनुसूची है। तो दोस्तों, मैं संविधान की बात करें तो उसमें दोस्तों आपका वर्तमान समय में दोस्तों आपका 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची आपका भारतीय संविधान में दोस्तों आपका है, और ये 225 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभाजित था, इसके केवल 208 अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों आपका वर्तमान समय का पूछा था दोस्तों, तो आपका 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अक्टूबर 2022 में जो आपका गुजरात में होने वाला राष्ट्रीय खेल का 36वां संस्करण वो दोस्तों गुजरात के कितने शहर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेलों का ये 36वां संस्करण ये खेल आगामी 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के दौरान खेला जाएगा। राष्ट्रीय खेल राज्य के 6 शहरों, मतलब 6 आपका राइट आंसर था, वो कौन कौन से 6 शहर हैं। तो दोस्तों आपका अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर और गांधीनगर में दोस्तों ये आपका आयोजित किया जाना है। अगला पूछा दोस्तों कि राष्ट्रपति को जो शक्ति प्रधानमंत्री परामर्श के दौरान आपको मिलता है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के शक्ति देने का जो आर्टिकल है दोस्तों आपका कौन सा आर्टिकल के 10 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपना परामर्श दे सकता है। ये दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना ही कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हालांकि दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के तहत आपका ये प्रधानमंत्री अपनी परामर्श राष्ट्रपति को देता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि तारे
टिमटिमाते हैं तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं। इसका कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों को घनत्वों में परिवर्तन होना। जैसा कि हम जानते हैं कि तारे बहुत हमसे दूर हैं एवं लगातार प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए तारों से आने वाले प्रकाश की तीव्रता में लगातार परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि पूरे विश्व में जो भारत का क्षेत्रफल है प्रतिशत में कितना है? तो दोस्तों भारत का जो पूरे विश्व में प्रतिशत में आपका क्षेत्रफल है वो दोस्तों 2.4% आपका क्षेत्रफल पूरे विश्व में भारत का है, तो आपका 2.4% आपका राइट आंसर होगा। विश्व का सातवां दोस्तों सबसे बड़ा देश है और भारत का जो स्थलीय सीमा है रेखा है लगभग दोस्तों 15,200 किलोमीटर आपका स्थलीय रेखा सीमा है। इसके अलावा दोस्तों निम्न में से कौन सा उष्मीय ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये आपका पोस्ट क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों वाट पर सेकेंड दोस्तों आपका निम्न में से आपका उष्मीय ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अगला दोस्तों आपका आया था कि इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, आपका चार ऑप्शन आ गया दोस्तों आंत, स्किन, लंग्स और कोई आपका एक ऑप्शन आया था जिसमें दोस्तों आपका जो आंत है वो दोस्तों आपका उत्सर्जी अंग नहीं है, ये दोस्तों आपका भोजन पचाने का काम करता है, तो ये दोस्तों आपका पाचन अंग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का स्थापना किया गया था। इसका जो मुख्यालय दोस्तों कोलकाता के निकट बेलूर में आपका ये आज का मुख्यालय है और इस मिशन की स्थापना का केंद्र दोस्तों वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि गणतंत्र दिवस कब से मनाया जा रहा है? आपका ऑप्शन में 1945, 1955, 1950, 1948 इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था। तो बात करें दोस्तों गणतंत्र दिवस का, ये दोस्तों आपका सन 1950 से आपका बनाया जा रहा है। इसी दिन दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का दोस्तों अपना संविधान लागू किया गया था। ये भारत के तीन अवकाशों में से एक है। अन्य दो स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती दोस्तों आपका भारत का राष्ट्रीय अवकाश है। इसके अलावा जो 26 जनवरी आपका राष्ट्रीय अवकाश है। अगला पूछा गया तो दोस्तों कि 15वां जो वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग का दोस्तों आपका कितने कार्यकाल को कितने सालों के लिए ओरिएंट किया गया है? तो ये दोस्तों आपका 15वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष आपका एनके सिंह है, इसके नेतृत्व में दोस्तों 2021-22 से 2025-26 तक आपका अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लहरी और डॉक्टर रमेश चंद के आयोग के सचिव है श्री अरविंद मेहता भी इसके अध्यक्ष के साथ आए थे। तो दोस्तों आप देखिएगा कौन सा प्रश्न से आपका आया था, इससे 2025 से 2026 तक दोस्तों आपका 15 वित्त आयोग का कार्यकाल है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि निम्न में से कौन सा पौधा है जो जड़ के द्वारा फिर से रूपांतरित हो सकता है? आपके पास दोस्तों आपका शलजम, आलू, इस तरह का कोई ऑप्शन आपका आया था, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका पीएच मान को मिलान करने के लिए आया था, तो जिसमें आपको हाइड्रोलिक अम्ल और नींबू और दोस्तों आपका एक और आपका था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान था। तो दोस्तों हाइड्रोलिक आपको इसको अरेंज करना था ऑर्डर में, तो दोस्तों आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वो दोस्तों आपका 2.75 होता है, और नींबू का पीएच मान देखें तो दोस्तों आपका 2.0 होता है, और वहीं पर दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो आपका दोस्तों 10 होता है। तो इसी तरह दोस्तों आप अपना पीएच मान को मिला लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं, इसमें दोस्तों आपका देख लेते हैं आपका ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। अगर नहीं भी आया होगा दोस्तों तो अगले शिफ्ट के लिए क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों आपका आया था कि लेशमानिया किससे संबंधित है, जो कि दोस्तों आपका प्रोटोजोआ है आपका लेशमानिया, जो कि दोस्तों प्रोटिस्टा किंगडम से आपका आता है लेशमानिया। तो दोस्तों आपका प्रोटिस्टा आया होगा, तो प्रोटिस्टा किंगडम दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम तो दोस्तों आपका पिछले शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन हालांकि इस शिफ्ट में भी आपका पूछा गया होगा, तो दोस्तों आपका जो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो दोस्तों आपका टोकोफिरोल दोस्तों आपका इसका रासायनिक नाम होता है। इसके बाद दोस्तों पंजाब का सीएम आया था, तो पंजाब का सीएम आपका भगवत मान हो जाएंगे। उसके बाद उत्तराखंड का जो सीएम दोस्तों आपका पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म आया था। इसके बाद दोस्तों ओम मीटर से संबंधित भी आपका एक प्रश्न आया था, तो दोस्तों ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ओम मीटर से आपका कौन सा प्रश्न आपका आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका डीएनए का फुल फॉर्म देखें, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड दोस्तों आपका डीएनए का फुल फॉर्म का होता है।
इसके बाद दोस्तों पेसमेकर आपका आया था, तो पेसमेकर दोस्तों आपका हृदय से संबंधित है और पेसमेकर बनाने में दोस्तों आपका पुलटिनियम का सब समस्थानिक का प्रयोग होता है। इसके बाद दोस्तों खानवा के युद्ध से अगर प्रश्न आया होगा तो दोस्तों आपका 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच दोस्तों आपका खानवा का युद्ध हुआ था। इसके बाद दोस्तों सिकल सेल से आपका जो प्रश्न आया था जो कि दोस्तों आपका एनीमिया से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों मिथेन का फॉर्मूला आया था जिसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका CH4 आपका मिथेन का फॉर्मूला होता है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 338 का आपका पूछा गया था, तो ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से दोस्तों आपका यह प्रश्न आया था। इसके अलावा दोस्तों 73वें ग्रैंड मास्टर के संबंधित प्रश्न था, तो दोस्तों आपका भरत सुंदरम दोस्तों आपका 73वें ग्रैंड मास्टर आपका बने थे। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि ये स्वराज द्वीप है दोस्तों वो आपका कहाँ पर पड़ता है, तो स्वराज द्वीप दोस्तों आपका अंडमान निकोबार में दोस्तों आपका यह स्वराज द्वीप पड़ता है। इसके बाद दोस्तों सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, तो दोस्तों आपका LDL दोस्तों सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कच्चाई लेमन फेस्टिवल दोस्तों आपका कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों आपका मणिपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो दोस्तों पताल पानी का रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दोस्तों आपका तात्यामामा रेलवे स्टेशन आपका रखा गया है। इन सब के अलावा दोस्तों एक और प्रश्न शायद आया था आपका कि मारुति 800 से आपका भी प्रश्न आया था कि मारुति 800 दोस्तों आपका भारत में कब आया था, तो मारुति सुजुकी ने दोस्तों 14 दिसंबर 1983 ईस्वी को दोस्तों मारुति 800 की डिलीवरी शुरू की थी। 14 दिसंबर का ही दिन इसलिए चुना गया था दोस्तों क्योंकि उसी दिन संजय गांधी का जन्मदिन आपका मनाया गया था और मारुति सुजुकी की पहली कार इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी हरपाल सिंह को सौंपी थी। तो दोस्तों ये रहा आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न जो कि दोस्तों लगभग सही ही होंगे। जो सही प्रश्न नहीं है वो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कौन से प्रश्न आपका सही नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से रियल एनालिसिस किसी भी एग्जाम का दोस्तों आपका सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे तेज मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।